हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त विशाल सोनी और आप देख रहे हैं टेक्टिस यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में बात करने वाले सैमसंग के नए स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M31S। यहां पे ये सक्सेसर है सैमसंग गैलेक्सी M30 का, और यहां पे हम इस डिवाइस के बारे में डिसीजन करने वाले और देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि क्या उसमें कुछ खास मिलता है और क्या कुछ बकवास मिलता है उस बारे में। और यहाँ पे लास्ट में आपको मैं अल्टरनेटिव डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करूँगा, और यहाँ पे आपको मैं लास्ट में बताऊँगा अपने ओपिनियन के बारे में कि क्या मुझे क्या लगता है इस डिवाइस के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आप ये मेरा ब्लॉग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लेटेस्ट पोस्ट डाला है जहाँ पे आपको देखने मिलेगा बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000। यहाँ पे आपको चाइनीज नॉन चाइनीज दोनों भी ऑप्शन मैंने आपको अवेलेबल कराया है। यहाँ पे आपकी मर्जी, आपको चाइनीज स्मार्टफोन लेना है या फिर नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं जल्दी ही बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 के ऊपर मैं पोस्ट डालने वाला हूँ अपने ब्लॉग पे, उसे भी देखना ना भूलना। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइस, अभी हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, और जहाँ पे अभी हम डिस्कस करने वाले सैमसंग गैलेक्सी M31S के बारे में। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला है, ये एक सक्सेसर है M31 का, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ अपग्रेड हुई उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम इसके फीचर्स के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे अभी हम वीडियो के डिटेल में जाने से पहले यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और देखते हैं क्या डिवाइस ये ऑफर करता है अपने प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों, यहाँ पे आपको सैमसंग गैलेक्सी M31S में देखने मिलता है 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 2400x1080 का, और यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला 3 का प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है। इस डिवाइस में आपको एक्सोनस 9611 का प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे, और एक तरह ऑक्टाकोर सीपीयू, और यहाँ पे आपको माली G72 MP3 का GPU देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको OS देखने मिलता है एंड्रॉइड 10 का, और यहाँ पे आपको UI देखने मिलता है One UI 2.1 का। यहाँ पे आपको रियर में क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, जिसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा, 5 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको इस डिवाइस में सभी तरह के सेंसर देखने मिल जाते हैं, एमिलेटर, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, और यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 स्टोरेज वेरिएंट देखने मिलता है, जहाँ पे आपको 120+6 GB मिलता है, और यहाँ पे 128+8 GB देखने मिलता है। यहाँ पे आपको UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने मिलता है, LPDDR4X का रैम देखने मिलता है, और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड SD का स्लॉट देखने मिल जाता है। यहाँ पे इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है 6000 mAh की, जो कि एक तरह का नॉन ड्यूरेबल बैटरी है, और यहाँ पे आपको 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने मिल जाता है। बात करें इस प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे आपको 120+6 GB वेरियंट देखने मिलता है 19499 में, और यहाँ पे आपको 120+8 GB वेरियंट देखने मिलता है 21499 में। यहाँ पे आपको दो कलर वेरियंट मिलते हैं, मिराज ब्लैक और मिराज ब्लैक। यहाँ पे आप सभी ने इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान ही लिया रहेगा, और आपको एक आइडिया लग गया रहेगा इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और देखेंगे इसमें कुछ क्या खास है और क्या कुछ बकवास है। तो गाइस, हम शुरुआत करते हैं इसके प्रोज से। तो यहाँ पे आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है, और जहाँ पे आपको पंच होल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, और यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले क्वालिटी मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने मिल जाती है, और यहाँ पे आपको वाइड वन L1 का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। और बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक बड़ा स्टोरेज देखने मिलता है, 128 GB का स्टोरेज देखने मिलता है। यहाँ पे आपको स्टोरेज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड SD का स्लॉट भी दे रखा है, ताकि आप अपने स्टोरेज को एक्सटेंड कर पाएँ। और गाइस, यहाँ पे आपको एक बड़ी बैटरी देखने मिल जाती है, जो कि 6000 mAh की, और यहाँ पे आपको उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे आपको जो फास्ट चार्ज है वो बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। और यहाँ पे इसका जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो सेंसर देखने मिलता है वो सोनी का 682 सेंसर देखने मिल जाता है। और गाइस, यहाँ पे आपको सैमसंग का One UI देखने मिल जाता है, जो कि एक तरह का काफ़ी अच्छा UI है, और यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको जो ऑडियो क्वालिटी मिलेगी काफ़ी अच्छी देखने मिल जाएगी। और गाइस, यही था इस डिवाइस के कुछ प्रोज। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे जो सबसे बड़ा कॉन्स है उसका प्रोसेसर है, यहाँ पे आपको एक्सोनस 9611 का प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो कि बेस्ड है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस मिलता है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 से ज़्यादा मिलता है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 से कम मिलता है। तो गाइस, अगर हम इसके प्राइसिंग को देख के इसके प्रोसेसर को जज करें, तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रोसेसर देना चाहिए था। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर है काफ़ी सारे डिवाइसेस में यूज़ हो चुका है, और यहाँ पे जैसे सब डिवाइसेस में यूज़ हुआ है, वैसे ही सैमसंग ने इस डिवाइसेस में भी ये प्रोसेसर लगा के दे दिया है। तो गाइस, यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 मिलता है, या फिर 720G मिलता है, या फिर 730G देखने मिलता है, तो काफ़ी अच्छा हो जाता था प्रोसेसर के मामले में भी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम इसे मल्टीटास्किंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे आपको डे टू डे यूसेज में कोई भी इशू नहीं होगा। हाँ, अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो यहाँ पे आपको दिक्कत देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो इसकी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि 25W की, और यही अगर हम बात करें पोको X2 की
और यहाँ पे अगर हम बात कर ले पोको M2 Pro की, वहाँ पे आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने मिलती है जो कि ज़्यादा है इस डिवाइस के फास्ट चार्जिंग से। और यहाँ पे जो पोको X2 और यहाँ पे जो पोको M2 Pro है उसकी जो प्राइसिंग है इस डिवाइस से कम है। और गाइस यहाँ पे जो प्रोटेक्शन देखने मिलता है आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला 3 का। और यहाँ पे जैसे आपको जो प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइजेशन देखने मिलता है वैसी कॉम्प्रोमाइजेशन इसके प्रोटेक्शन में भी आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला 3 का प्रोटेक्शन देखने मिलता है। और हम बात करते हैं बाकी सारे डिवाइसेस के, वहाँ पे आपको एटलीस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन तो देखने मिल ही जाता है। और गाइस यहाँ पे जो इसकी बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे आपको कोई भी ग्लास बॉडी या फिर कोई भी मेटल बॉडी देखने नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो गाइस यही था इस डिवाइस के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके अल्टरनेटिव डिवाइस के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चाइनीज स्मार्टफोन सेगमेंट में, तो यहाँ पे जो इसका कंपटीशन है वो काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेज देखने मिल जाते हैं जो कि इससे अच्छा परफॉर्मेंस देता है और इससे अच्छा कैमरा क्वालिटी भी है और इससे अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ पोको X2 Pro या फिर रियलमी 6 बोल दूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पोको M2 Pro की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रेडमी नोट 9 Pro Max की, तो यहाँ पे जो सभी डिवाइसेज है सभी डिवाइसेज का आपको परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा अच्छा देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉन चाइनीज ब्रांड चाहिए तो यहाँ पे आपको सैमसंग में ही आपको कंपटीशन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे जो सैमसंग का A21 है उसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है और यहाँ पे उसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो M30S देखने मिलता है वहाँ पे भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है और वहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। तो अगर मैं सजेस्ट करूँ तो यहाँ पे आप इससे बेटर ले सकते हो सैमसंग गैलेक्सी A21 या फिर M30S। यहाँ पे आपको दोनों ही डिवाइस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिल जाता है और यहाँ पे आपको सेम प्रोसेसर देखने मिल जाता है। और यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग है वो लगभग 15,000 के आसपास तो रहेगी, मतलब करीब करीब आपको 4 से 4,500 का प्राइस डिफरेंस देखने मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको लेटेस्ट डिवाइस चाहिए लेटेस्ट फीचर के साथ तो यहाँ पे आप इस डिवाइस को ले सकते हो। हाँ, अगर आप एवरेज यूज़र हो तो ही इस डिवाइस को बाय करना। यहाँ पे आपको कैमरा भी अच्छा चाहिए, यहाँ पे आपको बैटरी भी अच्छा चाहिए, यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए, तो आप ये डिवाइस को ले सकते हो। और आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे डिवाइस को मत लीजिए। यहाँ पे अगर आप हैवी गेमिंग करते हो तो यहाँ पे और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे पोको X2 हो गया, रियलमी 6 हो गया, वहाँ पे आप खरीद सकते हो उस डिवाइसेस को। और गाइस यहाँ पे सैमसंग के डिवाइसेस है वो मेड इन इंडिया है और यहाँ पे आपको एक तरह का नॉन चाइनीज ब्रांड देखने मिल जाता है जो कि एक एवरेज स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो गाइस ये आपके ऊपर है, अगर आपको गेमिंग के लिए लेना है तो आपको ये डिवाइस नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एवरेज यूज़ के लिए चाहिए या फिर डेली यूज़ के लिए चाहिए या फिर आपको मल्टीटास्किंग के लिए चाहिए तो ये आप ये डिवाइस बाय कर सकते हो। तो गाइस यही था मेरा ओपिनियन। आई होप आप सभी को एक आइडिया लग गया है इस डिवाइस के बारे में, क्या इसके स्पेसिफिकेशन, क्या इसके प्राइसिंग और क्या इसमें कुछ खास है, क्या कुछ बकवास है। और मैंने आप सभी को अपना ओपिनियन तो दे ही दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। अगर आपको मन में अभी कोई क्वेश्चन सजेशन हो तो इसे कमेंट सेक्शन में ऊपर वहाँ अपने क्वेश्चन सजेशन रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे हर एक वीडियो का। तो आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।